नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। नजर डालते हैं 5 मिनट 25 खबरों पर। उत्तर प्रदेश ने कोरोना से निपटने में कमाल का काम किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम को पीएम मोदी ने दी बधाई। भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर हुई तेज। कोविड-19 की चपेट में आकर देश में 1,33,000 से ज्यादा मरीजों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में चौथी बार कोरोना वायरस के मामलों में आई तेजी। दिल्ली में कोरोना से मौतों के मामले सबसे ज्यादा। कोविड मामलों में हो रही वृद्धि के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार की योगी सरकार का फैसला, शादियों और अन्य सामाजिक समारोह में 100 मेहमानों की सीमा तय। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से अमेरिका के बाद भारत दुनिया का सबसे प्रभावित देश। बीते दिन सबसे ज्यादा कोरोना मामले अमेरिका के बाद भारत में आए। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन करके दी जन्मदिन की बधाई। 82 साल के हुए समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी जन्मदिन की बधाई। सपा कार्यकर्ताओं ने सादगी और धूमधाम के साथ मनाया मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन। केक काटकर सपा कार्यकर्ताओं ने जाहिर की खुशी। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में LOC पर फिर से संघर्ष विराम का किया उल्लंघन। एक दिन पहले ही पाक की ओर से की गई थी गोलीबारी में एक भारतीय सैनिक हुआ था शहीद। लव जिहाद कानून की मांग पर ओवैसी का बयान, अंतरधार्मिक विवाह का विरोध करने वाले पहले पढ़े संविधान। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को छात्र नेता गुलफिशा फातिमा को दी जमानत। इसी साल फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के सिलसिले में किया गया था गिरफ्तार। कॉमेडियन भारती सिंह के पति हर्ष की भी हुई देर रात गिरफ्तारी। छापे के दौरान फ्लैट से मिला था गांजा। कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति को कोर्ट ने 4 दिसंबर तक भेजा न्यायिक हिरासत में। हाथरस कांड के चारों आरोपियों का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। अलीगढ़ जेल में बंद चारों आरोपियों को CBI लेकर गई गांधीनगर। उत्तर प्रदेश के जिलों में कोतवालों और थानेदारों की मनमानी पोस्टिंग पर DGP ने जताई नाराजगी। मनमानी पोस्टिंग को लेकर कई जिलों से उनके पास पहुंची थी शिकायत, जिसके बाद DGP ने अफसरों को जमकर लगाई फटकार। राजस्थान के बूंदी जिले में 5 साल के बच्चे के पेट के ऑपरेशन में निकली 3 फीट लंबी सांप जैसी अजीब गांठ। 1 साल से पेट में दर्द की थी शिकायत। हमीरपुर में अवैध तमंचे के साथ युवक का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। 315 बोर के तमंचे के साथ फोटो हुई वायरल। बिम्बारा थाना क्षेत्र के धनपुरवा गांव का बताया जा रहा है युवक। आगरा में खेत विवाद को लेकर दबंगों की दहशत का वीडियो आया सामने। ट्रैक्टर चालक और वहां मौजूद लोगों पर खुलेआम फायरिंग करते हुए दिखे दबंग। कानपुर में फास्ट फूड की दुकान पर दबंगों ने किया पथराव। उधार की रकम वापस मांगने पर दबंगों ने जमकर काटा हंगामा। पथराव में दुकानदार सहित 3 लोग हुए घायल। कानपुर में महिला कांस्टेबल ने लगाई गुहार। महिला सिपाही मीरा ने पति पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। अधिकारी नहीं करते विभागीय लोगों की सुनवाई। कन्नौज से गुजरने वाले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। वैगनार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। फतेहपुर में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में घायल हुई 3 महिलाएं। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल। प्रतापगढ़ में दबंगों की मानसिक प्रताड़ना और धमकी से तंग आकर ITI के छात्र धीरेन शर्मा ने की आत्महत्या। मृतक के पिता का आरोप, गांव के ही 3 दबंग हैं मौत के जिम्मेदार। संगीन वारदातों से दहला बहराइच। कैसरगंज में युवक की बेरहमी से हत्या कर जलाया गया शव। पुलिस मामले दर्ज कर जांच में जुटी। कानपुर में मास्क न लगाने पर युवक को पुलिस ने जमकर पीटा। युवक का मास्क न लगाने पर किया गया था चालान। युवक की पिटाई से आक्रोशित व्यापारियों ने पुलिस के खिलाफ सड़क पर लगाया जाम। 5 मिनट 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।